नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालू बत्रा। दर्शकों, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं मिसेस पूजा बंसल, जो कि एक डाइटिशियन हैं और स्लिम फिट डाइट केयर नाम से अपना एक क्लिनिक सिरसा में चला रही हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि प्रॉपर डाइट क्या है और हमें किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए और डाइट लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए, सबसे पहले हम मैम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक हेल्दी पुरुष और हेल्दी महिला को एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? देखिए, एक पर्टिकुलर अगर हम कैलोरी की बात करते हैं तो अलग अलग महिला और अलग अलग पुरुष के कैलोरी के रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। वो हमें उनके वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग देखना होता है कि जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, हाउसवाइफ हैं, अगर वो सिटिंग में हैं तो उनका कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होता है। अगर लेबर क्लास की बात करें, उसी एज के एक लेबर क्लास की बात करते हैं तो उनके कैलोरी रिक्वायरमेंट की थोड़ी सी नीड उनसे ज़्यादा रहती है। और जहाँ तक अगर हम गर्भवती या प्रेगनेंसी वाली लेडीज़ की बात करें तो उनको कैलोरी रिक्वायरमेंट दूसरे लेडीज़ से 50% एक्स्ट्रा रहती है। तो मैम, जैसे कि हम उत्तर भारत में रहने वाले हैं तो यहाँ के लोगों का खान पान भी कुछ ऐसा है, जैसे सुबह नाश्ते में भी हैवी चीज़ें, परांठे ले लिए, घी, मक्खन वगैरह भी। आप ऐसा प्रॉपर डाइट बताइए कि जिससे हमें विटामिन, कैल्शियम और ये सब चीज़ें प्रॉपर वे में मिलती रहें और हमारी डाइट भी सही रहे। तो आप सही डाइट हमें बताइए कि क्या लेनी चाहिए। देखिए, अभी काफ़ी लोग डाइट के लिए कॉन्शियस होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग अब परांठे ही खा रहे हैं, वो परांठे वाला नहीं ट्रेंड खाते काफ़ी हद तक मोस्टली। चला गया हमें है। यस लेकिन हम लोग अपने बचपन को याद करें तो हमारे टिफिन में हमारे मम्मी अचार और परांठे ही पैक करते यस थे। लेकिन अब हम हमारे बच्चों की बात करें तो वो अचार और परांठे नहीं लेके जाते। तो आजकल तो स्कूल्स में भी हो गया ऐसी रिक्वायरमेंट, वो हाँ, इंस्ट्रक्शंस लेते बिल्कुल हैं कि टिफिन बिल्कुल, बच्चे का स्कूल ऐसा होना में टिफिन चाहिए। ब्रेक से पहले एक फ्रूट ब्रेक जरूरी हो गया है। तो इससे क्या है कि बच्चों की हैबिट्स में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। हाँ, थोड़ा सा फास्ट फूड का ट्रेंड बढ़ बढ़ गया है, गया थोड़ा है। सा नहीं, बहुत ज़्यादा सा बढ़ गया है। तो वो फास्ट फूड इनटेक कम करने के लिए लोगों में अभी अवेयरनेस होना स्टार्ट हो गया है। कुछ अवेयरनेस हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे ये है कि डाइट के लिए लोगों की कॉन्शियसनेस तो बढ़ रही है। तो मैम, जैसे कई लोग डरते हैं कि डाइट लेने से हम पतले हो जाएंगे या हमें भूखा रहना पड़ेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये जो ऐसा लोगों के मन में एक धारणा है कि डाइट भूखे रह के करनी होती है, डाइट का मतलब एक प्रॉपर बैलेंस डाइट से है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको कम खाना है या आपको भूखा रहना है। ये चीज़ तो मेरे क्लाइंट्स अक्सर बोलते हैं, मेरे यहाँ तो क्लाइंट्स एक स्लोगन लेके आते हैं, वो बोलते हैं खूब खाओ दे खूब कटाओ। तो मोस्टली लोग बोलते हैं मैडम इतना खाएंगे तो आपने क्या ये हमें वेट गेन का डाइट दिया है? तो मैं उन्हें बोलती हूँ आपने मुझे आगे क्या बताया? तो वो बोल रहे हैं कि वेट लूज का। तो मैं बोलती हूँ आपने अगर वेट लूज का बताया तो आप आंखें बंद करके इस डाइट के ऊपर फेथ कीजिए और आप ये सब खाना शुरू कीजिए। हम अगर कम खाते रहेंगे तो हमारा मेटाबॉलिज्म वीक रहेगा। जैसे ही हम खाना बढ़ाएंगे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से हमारा क्या है कि वेट कंट्रोल ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। आप अगर डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, थायराइडिज्म है, एनी अदर आपको कोई भी क्रॉनिक और भी डिजीज है, तो सभी डिजीज में डाइट की जरूरत रहती है और भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है। कई लोग ऐसा होता है कि डाइट कॉन्शियस तो हो चुके हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, वो डाइट लेते हैं तो उसका विपरीत असर पड़ता है। जैसे वो प्रॉपरली खाना नहीं खाते। मोस्टली डाइट का मतलब लोग क्या समझते हैं कि हम डाइटिंग कर रहे हैं, मतलब कि भूखे रह रहे हैं, खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो उससे उनका विपरीत असर पड़ता है, उन पे बीमार पड़ जाते हैं या ज़्यादा स्लिम ट्रिम से हो जाते हैं, दुबले पतले वीक से लगने लगे। तो उसके बारे में आप क्या कहना बहुत अच्छा, चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और इस सवाल का जवाब मैं जरूर देना चाहूँगी। मतलब बहुत से लोगों को ये रहता है कि जब हम जैसे ही डाइट करते हैं तो हम लोगों पे डाइट का विपरीत असर, जैसे आप कह रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम लोगों ने डाइट स्टार्ट किया तो हमारे फेस का ग्लो चला गया, या हमें हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, या हमें मैम लेग्स पेन हो रही है, या कोई किसी तरह की वीकनेस आ रही है। जब आप उन लोगों से अगर खुल के बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वो किसी डाइटिशियन के अंडर डाइट नहीं कर रहे हैं। वो खुद से वो ही जो खुद से डाइट कर रहे हैं, ऑनलाइन डाइट चार्ट निकाल लिया, न्यूज़पेपर मीडिया जो भी डाइट दी है, वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए डाइट नहीं होती है। उसमें क्या है कि आपने अपना फीड कर दिया, आपकी एज ये, आपका वेट ये, तो सबके लिए सेम डाइट प्लान आपको निकल के आ रहा है। तो वही डाइट प्लान सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आपको कोई डिजीज हो सकता है आपको किसी चीज़ की मात्रा अधिक लेनी है, कम लेनी है, सभी की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट रहती है। इसी कारण से लोगों को ये लगता है कि हमने डाइट किया तो हमारा फेस का ग्लो चला गया। अगर आप प्रॉपर किसी एक अच्छे से डाइटिशियन से कंसल्ट करके डाइट लेते हैं तो नेचुरली आपके फेस का ग्लो डबल होता है, चमक बढ़ती है, कम नहीं होती है। ओके तो मैम, कई बार क्या होता है कि जो 200 किलो के ऊपर के पर्सन हैं, क्या
क्या वो डाइट लेते हैं या उनको ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सिरसा में मेरे पास अभी तक एक सिंगल पेशेंट हैं जो 200 किलो से ऊपर के हैं, 205 किलो, मैं उनका नाम भी बताना चाहूँगी, रविंदर जी मलिक हैं। तो वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये सड़कें वड़के बनाने के कॉन्ट्रैक्टर जो ठेके वगैरह लेते हैं उनको सब लोग जानते भी हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल सिरसा सिटी के उनको जानते भी हैं। देखिए, इतना वेट देखने के बाद मोस्टली लोगों के दिमाग में आया था कि मलिक जी को तो बैरियाट्रिक सर्जरी करा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उनको गाइड भी किया, लेकिन उनके दिमाग में था कि नहीं, मुझे मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज उनको आने स्टार्ट हुए, उसके बाद उन्हें लगा कि शायद अब तो वेट रिड्यूस कर लेना चाहिए। जब वो मेरे पास डाइट सेंटर पे आए तब 205, 205 किलो उनका वेट था, और मेरे पास डाइट क्लिनिक पे उन्होंने 35 से 40 किलो वेट कम कर लिया है ऑलरेडी। अभी वो बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, लगभग 5 किलोमीटर की मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी की बजाय मुझे अडॉप्ट किया। तो मैम, क्या डाइट लेने से हाइट भी बढ़ती है? बिल्कुल, अगर आपकी बोन्स के ऊपर हाइट प्लेटर नहीं लगे हैं, तो एक छोटा सा एक एक्सरे होता है, हम टेस्ट करा के देख लेते हैं, अगर बोन्स पे हाइट प्लेटर नहीं लगे हैं तो प्रॉपर एक डाइट दे के, बैलेंस डाइट दे के हम हाइट को बढ़वा सकते हैं। मैं उन बच्चों के नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन लड़कियों उन लड़कों के, सिरसा में बहुत सारे लोगों ने ये फ़ायदा भी उठाया है। ओके मैम, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक प्रॉपर डाइट चार्ट एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या होना चाहिए, आप प्लीज़ उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, अपने लंच में कुछ भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम नॉर्थ इंडियन लोगों को हैवी ब्रेकफास्ट की जो आदत होती है, वो हैवी ब्रेकफास्ट की जगह मैं ये बोलती हूँ कि आप एक हैवी लंच कर लीजिए, कंप्लीट खाना आप खा लीजिए लंच में, और डिनर को थोड़ा सा लाइट, डिनर आप जितना लाइट करेंगे, डिनर लाइट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मील को स्किप कीजिए। बहुत से लोग मील स्किप कर जाते स्किप हैं कर कि डिनर जाते स्किप कर लिया, या उन्होंने हैं। लंच स्किप कर लिया, या ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया। कुछ भी स्किप करने से आपके न्यूट्रिशंस वैल्यू बॉडी के अंदर कम होने लगते हैं। जैसे ही न्यूट्रिशंस वैल्यू कम होने लगेंगे, आप किसी ना किसी बीमारी की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे ये कि आप डाइट ही पहले से ही अच्छा लें, फाइबर बढ़ाएं अपनी डाइट के अंदर, वाटर इंटेक बढ़ाएं, मॉर्निंग वॉक को अपनी आदत बनाएं, और उसमें आप जूसेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। सारा दिन मैं कहूँ कि सैलेड खाओ सैलेड खाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कहूँ उबला हुआ खाना खाओ, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी ऑल्सो, कि अगर उबला हुआ खाना मुझे भी खाना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं भी खा पाऊँ। तो मैं नहीं अपने पेशेंट्स को खाएंगे। कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप सिर्फ बॉइल्ड फूड या सैलेड की तरफ रहिए। हाँ, सैलेड ज़रूरी है, पर ये नहीं कि आप तीनों टाइम खाने की जगह भी सैलेड ही खाते रहो, ऐसा नहीं है। तो मैम, एंड में हम चाहेंगे कि आप एक प्रॉपर डाइट के बारे में या फिट रहने के लिए हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? फिट रहने के लिए हम यही कहना चाहेंगे, सभी जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हम सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक बैलेंस डाइट के लिए आपको एक प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अपने आप से या ऑनलाइन डाइट्स या किसी दूसरे के डाइट चार्ट को फोटोकॉपी करके ऐसा कुछ करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखिए, दाल दलिया रोटी सब्जी ये तो सभी की नीड है। आप कहें कि ये तो उसके डाइट में भी रोटी थी, रोटी तो सभी की नीड है। नॉर्थ इंडियन लोग रोटी के बगैर नहीं रह सकते। दाल दलिया रोटी सब्जी जो सबकी रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो अदर मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, वो सबकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट नीड्स रहती हैं। तो हाँ, सभी के लिए अलग अलग डाइट प्लान रहता है, तो एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल डाइटिशियन से कंसल्ट करें और उसके बाद अपना एक संतुलित आहार लें। सभी लोगों का ये एक हक है कि वो अपना डाइट चार्ट लेके अपने डाइट को फॉलो करें। उसमें आप 2 साल का बच्चा भी हो सकता है, 100 साल के बुजुर्ग भी हो सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी हो सकती हैं, लेडीज एंड जेंट्स भी हो सकते हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, उनका वर्किंग प्रोफाइल वो बढ़ता है। ऑफिस में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को लगता है कि हम लोग डाइट को कैसे फॉलो करेंगे। डाइट देखिए बिल्कुल फ्रेंडली होती है, डाइट सबके साथ फ्रेंडली रहती है, और डाइट आप फॉलो करते हैं तो आपका वर्क प्रोफाइल बढ़ता है, इंक्रीज होता है। थैंक यू मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। तो उम्मीद है दर्शकों कि आज आपको हमारा एपिसोड पसंद आएगा और आपको ये बात अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि बिना डाइटिशियन की सलाह से हमें खुद से ही डाइट नहीं करने चाहिए, उसके विपरीत असर हमारे से हो सकते हैं। तो अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच